सोहेल फ्रेंड्स, आपने थंबनेल पे देखे होंगे कि पोस्टर कैसे बनाते हैं चुनाव प्रचार वाले या कोई कोई फेस्टिवल हो गया, कोई पर्व हो गया उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसा इंटरफेस आपको आया है। इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। मेरे प्रत्येक वीडियो में दो जनरल नॉलेज आपको सीखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद में यहाँ पे नीचे सेव दिया है तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये बैकग्राउंड का कलर आपको इसको बदलना है। तो यहाँ पर कलर है तो कलर पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे कलर पे नहीं, यहाँ पे ग्रेडियंट है तो ग्रेडियंट पे क्लिक आपको कर लेना है, ठीक है। कलर पे होगा तो ग्रेडियंट पे कर लेंगे और यहाँ से आपको ये देखिए आप में ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ये मैं पहले से बनाया हूँ तो ये आया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया, ठीक है। और आने के बाद में यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और आपको इधर उधर ये आपको करके या ये दो दिया है तो आप अगर प्लस करते हैं तो यहाँ पे एक और बढ़ जाएगा, जैसे ये तीन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऐसे कलर ये चूज कर लेना है, ठीक है। देखिए आइए मैं ये चूज कर लेता हूँ, देखिए ऐसा आया, ठीक है। और ये सही के निशान पे क्लिक कर देना है, ठीक है, ऐसे आ गया। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में इम्पोर्ट यानी एक फ़ोटो डाउनलोड करना है। आपको वो फ़ोटो लगाना है जिसका फ़ोटो जो फ़ोटो का नीचे धुंधलापन किया है, ठीक है। तो धुंधलापन अगर नहीं करना जानते होंगे तो वो जाइए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहाँ पे फ़ोटो को नीचे धुंधलापन कैसे करते हैं उसके लिए आइए मैं इंपोर्ट करके एक मैं वो फ़ोटो ले लेता हूँ, ठीक है। ये फ़ोटो मैं ले लिया, देखिए यहाँ पर ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पर इतना ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये धुंधलापन वाला है, यहाँ पे ऐसे आपको, तो देखिए मैंने ये फ़ोटो सेट कर दिया। और यहाँ पे ऊपर यहाँ पे क्लिक करके इसको लॉक कर देना, देखिए लॉक कर दिया, ठीक है। और फिर दूसरा फ़ोटो यहाँ से और फ़ोटो ले लेना है बहुत सारा, ओके। आइए मैं सब फ़ोटो ले लेता हूँ, जैसे कि मैं ये फ़ोटो ले लिया हूँ, ठीक है। इसके बाद में इसको ऐसे यहाँ पे क्लिक करके ये जो बिंदु है यहाँ पे क्लिक करके इसको पतला कर लेंगे ऐसे, और नीचे से इसको ऐसे छोटा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं एक कॉर्नर में तो यहाँ से छोटा होगा एक के बाद, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे सेट करूँगा, ठीक है। इसके लिए और थोड़ा पतला करके थोड़ा लंबा कर देता हूँ, ठीक है। और आइए मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब ये भी सेव, इसको भी लॉक कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब सारी फ़ोटो आपको ऐसे कर लेना है, ओके। तो दोस्तों देखिए मैं सारी फ़ोटो ले लिया हूँ, ठीक है। और ये कलर मैं जैसे भी आप कलर चाहते हैं वो कलर आप यहाँ से आकर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेने के बाद में आपको अब यहाँ पे कुछ लिखना है, ठीक है। तो लिखने के लिए ए दिया है तो ए पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट है तो टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एडिट करेंगे, ठीक है। एडिट करने के बाद में इसको हटा लेंगे, आपको जो कुछ भी लिखना है तो आप लिख सकते हो, ओके। आइए मैं लिख के दिखाता हूँ, देखिए मैंने लिख लिया अपने मोबाइल से, ठीक है। तो यहाँ पे ये नीचे स्क्रॉल करना है आपको, इधर स्क्रॉल करने के बाद में सबसे पहले ये स्टाइल बी पे क्लिक करके बी और आई कर लेना, ठीक है। इटैलिक और बॉन्ड रहता है, ठीक है। इस पर क्लिक करके सही कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसका भी कलर आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं, जैसे भी ब्लैक या वाइट, मतलब हरा ग्रीन जो भी चाहे। तो ये मैं वाइट ही ले लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे टी दिया है साइज, तो साइज पे क्लिक करके इसको आपको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए मैं यहाँ पे इसे बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। बड़ा करने के बाद में इस पर चाहे तो आप यहाँ से देखिए शैडो भी दे सकते हैं या 3D भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। आइए अब फिर और कुछ टेक्स्ट में सारे लिख के आपको दिखा देता हूँ, ओके। तो बाद में आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको सेव पे, ठीक है। और यहाँ पे सेव ले लेना है, ठीक है। सेव ले लेना है इतना, जैसे यहाँ से छोटा या बड़ा करके यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे लगाने के बाद में देखिए यहाँ पे इसका ये कलर है, इसका कलर आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आइए मैं एक कलर ले लेता हूँ, ठीक है। ये कलर ले लिया, ठीक है। ये कलर लेने के बाद में आपको फिर यहाँ पे क्लिक करके आपको कुछ लिख लेना है।
तो देखिए ऐसे ये सारी मैं सेट कर लिया, ठीक है। अब इसके लिए आपको यहाँ पे ऊपर ये दिया है तो इस पर क्लिक करना है और सेव एज पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट दिया है क्वालिटी, तो यहाँ पे क्वालिटी में आने के बाद में यहाँ पे वेरी हाई या कस्टम या डिफ़ॉल्ट, मतलब आप मोबाइल जैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वेरी हाई, मतलब ये बहुत हाई हो गया, इसको अब गैलरी में सेव टू गैलरी में सेव कर लेना है, ठीक है, हो गया, ठीक है। अगर आपको जैसे भी आप अपना पोस्टर बनवाना चाहते हैं कि इस पे वीडियो बनाइए या जो भी, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कर सकते हैं, ठीक है। आइए मैं अब प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करने को मैं बता देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आता हूँ मैं प्ले स्टोर पे, और यहाँ पे ये पहले दूसरा ऐप था, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पिक्सल लैब, ठीक है। तो देखिए मैं पिक्सल लैब लिख दिया और यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आया, ठीक है। आपको इंस्टॉल करने को आएगा तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद में देखिए ये तो ऐसे जो मैं बनाया था तो वही है, तो मैं भी ये हटा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ऐसा इंटरफेस आपको आएगा और यहाँ से सब कुछ कर लेना है, ओके। और कुछ आपको अलाउ करने का ऑप्शन आएगा तो अलाउ कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। आइए चलते हैं दूसरे वीडियो में, मिलते हैं, ओके।